तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोरापुट पार्ट टू। तो ये देखिए, ये कब से मेरी बहन के पास था, तो अभी मुझको देखकर दौड़ कर आया। तो जब तक मेरा बेटा मंदिर में घूम रहा है, और तब तक मैं आपको पार्ट टू दिखा दूँ, और मतलब कि ऊपर का मंदिर का सारा आपको नज़ारा दिखाने के बाद अब मैं फाइनल नीचे आ गई। तो आपको दिखा दूँ नीचे क्या क्या है और कितना सुंदर मंदिर है। आप देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है और फर्स्ट अमरनाथ लिखा गया है। तो आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर मैं जो भी मतलब कि दिखा रही हूँ सब, मतलब कि हमारे भारत में जितने भी राज्य में सारे जितने भी तीर्थ की जगहें हैं घूमने के लिए, और सारा का सारा वहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है। देखिए, अमरनाथ गया, वैष्णो देवी गया, ये हरिद्वार है, हर चीज़ बहुत अच्छे से ओडिया भाषा में डिटेल में लिखा गया है। आप कोई भी मंदिर में ऐसा इतना सारा भगवान एक जगह पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। और आपको बता दूँ, ओडिशा के अंदर भी जितने भगवान की मंदिर मतलब कि तीर्थ की जगहें हैं ओडिशा में, तो बहुत ज़्यादा बहुत सारे हैं, क्योंकि इसीलिए हमारा ओडिशा मतलब कि मंदिर मालिनी बोल के बोला जाता है। तो बहुत सारा भरा है, तो उसे मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, और इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है तो सारा का सारा मंदिर कहाँ कहाँ पर है। तो ये कामाक्षी है मंदिर, आप देख ही रहे हैं, मेरा बहुत सपना है यहाँ पर जाने का। तो देखिए, यहाँ पर जो है गणेश जी के बहुत पोस्टर लगे हुए हैं, और सारा का सारा गणेश जी के बारे में लिखा गया है यहाँ पर, हर रूप के बारे में। और आप देख, वहाँ पर कलाकारी आपने देख ही लिया होगा। तो अब ये देखिए, यहाँ पर जो है वो तीन भगवान के मंदिर बनाया गया है, मतलब कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। तो चलिए आपको और भी दिखा देती हूँ, और बाकी सारे मंदिरों के मतलब कि। तो ये स्टार्ट होता है मंदिर, तो यहाँ पर देखिए सारा का सारा यहाँ पर लिखा गया है बहुत अच्छे में अच्छे से। तो आपको बता दूँ कि मतलब कि एक खुशखबरी है, आज हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ रहा है। ये एक तो बुरी खबर है, और एक भी एक खुशखबरी है कि आज जो है मतलब कि मेरी ननद का डिलीवरी पेन स्टार्ट हो गया है, तो कुछ भी आ जाएगा उनका। तो चलिए, तो आज निकलना पड़ रहा है, और हमारा 9 बजे का मतलब कि बस भी है। हम लोग का 2-3 जगह और भी घूमने का प्लानिंग था, बट नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम लोग को आज ही निकलना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी ननद का पेन भी स्टार्ट हो गया है। उनका बहुत ज़्यादा लेट मतलब कि डेट था, बट जल्दी हो गया, तो उसको देखकर ही हम लोग निकल कर आए थे, बट जल्दी हो गया तो अभी हम लोग को निकलना पड़ रहा है। और बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है कि ऐसे टाइम पे हम लोग यहाँ पर है, तो इसलिए मन मतलब कि बहुत ज़्यादा उदास उदास था। तो चलिए फिर भी घूम के चले जाएंगे, क्योंकि पता नहीं फिर कब आएंगे। तो ये देखिए, ये खाने खाने का प्लेस है यहाँ पर। तो जहाँ पर भी जगन्नाथ जी का मतलब कि खाने का प्लेस होता है, उसे आनंद बाज़ार बोल के बोलते हैं। तो यहाँ पर बैठकर हम लोग खाएंगे और फिर निकल जाएंगे यहाँ से। तो जैसे जैसे टाइम हो रहा था, मुझे वैसे वैसे रोना आ रहा था, क्योंकि मैं छोड़कर जा रही थी मेरी बहन को। तो फिर क्योंकि घर में अगर कोई है मुझसे बात करने के लिए और देने देने के लिए, पूछने के लिए, तो ये सिर्फ मेरी यही बहन है और कोई नहीं है। तो यहाँ पर चलिए, खैर छोड़िए सब बात। तो यहाँ पर देखिए, दाल चावल मिक्स सब्जी, पत्ता गोभी की सब्जी, बैंगन मसाला, रायता और खीर यहाँ पर था। तो हम लोग सब लोग बैठ कर खाने के लिए यहाँ पर बैठ गए थे। तो हम दोनों का मन पूरा उदास उदास है, क्योंकि ऐसे टाइम पे हम लोग यहाँ पर है और हम लोग को आज निकलना पड़ रहा है। तो चलिए, आप मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि आपके प्यार के बिना हम कुछ नहीं है। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए अगर आप नए हो तो मेरे चैनल में।